सो एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज देखते हैं, 8.1 हमने देखी, अब 8.2 एक्सरसाइज में हमें नई चीज सीखनी है, क्या? जीपी, तो जो मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल के टाइम पे कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो एक्चुअली हमने देखा तो सही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कैसे होते हैं, पहला तो वही होता है से ए, फिर दूसरा होता है ए आर, फिर होता है ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दिस, ओके। तो वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में देखा था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ऐसा सीक्वेंस होता है। R stands for ratio, ratio of जैसे D stands for difference था AP में, तो किसका difference था? A2 minus A1 या फिर A3 minus A2 या फिर A4 minus A3, reverse में जाते थे ना, तो यहाँ पर भी वही है, R is the ratio, so ratio of say A2 by A1 or you can say A3 by A2 और यू कैन से A4 बाई A3 जैसे भी डिफाइन करो, ओके। बट देखो AR बाई A करोगे तो R मिल जाएगा, 2/1 करोगे तो AR बाई A करोगे तो R मिल जाएगा, AR स्क्वायर बाई AR करोगे तो भी R ही मिलेगा, समझ में आया? तो वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या था? D था, ओके। यहाँ पे रेशियो, ये जो रेशियो है हमारा, वो अगर R रहा A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3, A6 by A5, A10 by A9, वो सब कुछ अगर सेम रहा तो हम उसको बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देन तो R गिवन ना हो तो ढूंढते कैसे है, पता चल गया, ओके। फर्स्ट टर्म हमारी ये है, An के लिए फॉर्मूला है An is equals to AR raised to N minus 1, ओके। सो an का फॉर्मूला है ar raised to n minus 1, और फिर सम आएगा, तो सम भी अभी एक ही एक्सरसाइज है तो सब बता ही देते हैं। फिर एक फॉर्मूला होता है सम का, तो अगर तुम्हारा r लेस देन 1 आया, r ग्रेटर देन 1 आया, या r इक्वल टू 1 आया, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलास फॉर सम ऑफ द पर्टिकुलर टर्म। तो यहां पे लेस देन 1 है तो sn, ओके, वो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए लेस देन वन है मतलब वन से छोटी वैल्यू है, वन से छोटी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 1 minus r raised to n upon 1 minus r, ओके। अगर बड़ी हो तो ये इसको एक्सचेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ओके। और r इज इक्वल्स टू 1 हो, r इज इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या होता है कि तुम a2 बाय a1 करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर कब आएगा, जब सेम होगा तब, ओके। जैसे कि ऐसा है 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, तो अभी मैं इसमें r निकालूं तो दैट इज इक्वल्स टू a2 बाय a1, तो ये क्या आ गया 1, तो इतनी टर्म है, तो ये सारे सेम टर्म हो जाएगी ना अगर r इज इक्वल्स टू 1 है, तो उसमें sn कैसे निकालेंगे, अभी ये सारे n टाइम्स है तो हम क्या बोलेंगे, n इंटू से a फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी वही सारी टर्म होने वाली है, सो हम इसको बोल देंगे से na, डन। बस इतना ही है और तो कुछ नया है, हाँ यस, ओके, ये एक चीज बता देता हूं, डन, ओके। एक है हमारा एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन तो हमें पता है ना, एरिथमेटिक मीन क्या होता है, सपोज 1 2 3, अगर बोले कि ये 3 का एरिथमेटिक मीन निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं कि भाई सबका सम कर दो, मीन अभी स्टेटिस्टिक्स पढ़े हम, सो एरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 / 3, यही हमारा एरिथमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हारा a1, a2, a3 ऐसा है तो ज्योमेट्रिक मीन ये 3 टर्म्स का निकालना हो तो बीच वाली टर्म जो होगी ना a2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में तुम लिख सकते हो a1 a3,
ये होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन। क्या थ्री टर्म्स आ गए हैं A1, A2, A3, तो A2 जो मिडल टर्म है उसको हम लिख सकते हैं। ये आता है एक्चुअली, हमें प्रूव नहीं करना है, लेकिन अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। जैसे ये फॉर्मूला है हमने थोड़ी ढूंढा है, हम तो यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, A2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 A3। सो दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो दैट्स इट। ओके, इतने से तो हमारा पूरा हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बस यही कंसेप्ट है, समझ में आ गया? और कुछ रह जाएगा कुछ न्यूमेरिकल में? हाँ, जैसे कि कई न्यूमेरिकल्स है उसमें जैसे कि थ्री टर्म्स होगी, तो थ्री टर्म्स तुम्हें कैसे लेनी पड़ेगी, चूज कैसे करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे, से ए ए बाय आर डी आर, ऐसे थ्री टर्म्स अगर चूज कर रही हो तो मैं कैसे थ्री टर्म्स एज्यूम करूंगा, ऐसे क्यों? अब देखो इसका रेशियो, देखो ए डिवाइडेड बाई ए बाय आर आ रहा है, रेशियो आ रहा है, यहां पर भी ए आर बाई ए रेशियो आ रहा है, तो है तो ये जीपी ही, लेकिन मैंने ऐसे नंबर्स क्यों चूज किए? मैंने ऐसे नंबर इसलिए चूज किए कि अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट कर लूंगा तो ए ए ए ही आएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो फॉर इजीनेस मैंने ये नंबर चूज किए। तो कई न्यूमेरिकल में ऐसा होगा कि थ्री वैल्यूज गिवन है कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थ्री वैल्यूज है, तो वो थ्री वैल्यूज अगर हमें एज्यूम करनी है तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे। डन, पक्का, दैट्स इट। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। चलो तो न्यूमेरिकल नंबर वन। ओके, न्यूमेरिकल नंबर, अब इसमें तो हमें वीडियो बनाना पड़ेगा अलग अलग। ओके, कोई बात नहीं। फाइंड द 20th टर्म, मतलब क्या पूछा है? A20 पूछा है। पहले क्या पूछा है देखो, ये अपनी एपी की 10th की एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 3, 5.3, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे। ओके, और मैंने बोला था कि तुम समझो कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, और जो गिवन है उससे सिर्फ न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ओके, जो क्या पहले गिवन क्या है, पूछा क्या है, क्या पता है उसके बारे में लगाना स्टार्ट करो। ओके, चलो तो A20 पूछा है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म, भाई nth टर्म भी पूछी है, nth टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी गिवन है हमें, कौन सी है, 5/2, 5/4, 5/8, इतना गिवन है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे। ओके, क्यों आर फाइंड करेंगे, मुझे A20 निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर रेस टू एन माइनस वन, ये है, जैसे जो जो पता है उस पे जाओ। A20 निकालना है, A20 के लिए पहले ए एन का फॉर्मूला लिखो, तो ए एन का फॉर्मूला लिख लिया, ए एन ए आर रेस टू एन माइनस वन। अच्छा, फॉर्मूला में ए है, आर नहीं है, तो आर ढूंढो, तो आर ढूंढेंगे, सो आर इज इक्वल टू से ए टू बाई ए वन, ए टू कितना है 5/4, A1 कितना है 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 5/2 का 2/5, 5/5 कट 1/2, सो R हमारा आया क्या 1/2। डन, अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, मुझे किस कौन सा ढूंढना है 20, तो A20 इज इक्वल्स टू A क्या है 5/2, R क्या है 1/2 होल रेस टू n, n मैंने क्या लिया है अभी 20, सो 20-1 डन, बस 5/2, 1/2 यहां क्या हो जाएगा 1/19 और यहां 2/19, ऐसा ही होगा, 20-1 तो 19 ही होगा ना, डन। ओके, 1/19 तो 1 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5, ये कितना हो गया 2/20 हो जाएगा, 2/1, 2/19, बेस सेम है तो सम हो जाएगा ऑर्डर का, डन। ओके, सो 5/2/20, दैट्स इट, ये हमारा कौन सा है A20, जो ढूंढना था वो पहला मिल गया। दूसरा क्या पूछा था, nth टर्म फाइंड करो, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म, nth टर्म तुम्हारा फॉर्मूला है हमारा a nth टर्म, a क्या है 5/2, अच्छा r क्या है,
R1 by 2 raised to n minus 1, n minus 1. तो इसको भी हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 by 2 into 1 raised to n minus 1 upon 2 raised to n minus 1. 1 raised to anything, 1 आएगा. यहाँ पे है 5. ये कितना हो गया? 2 raised to 1 plus n minus 1. Minus 1 plus 1 गया. तो आया 5 upon 2 raised to n. Done. This is the answer. An का nth term. 20th term and nth term we have formed. ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो. हाँ हाँ देखो, आराम से देखो. जो गिवन है, अच्छा देख फिर वापस एक बार रिपीट कर देते. अब ये हम करने नहीं जाएंगे 2 raise to 20, कहाँ जाएगा वो. ओके तो जाएंगे छोड़ दे. कौन सा ये? हाँ फॉर्मूला भी है. ए एन, तो एन की जगह 20, फिर ए, ये रहा ए, फिर आर, फिर एन की जगह 20, 20 माइनस 1. डन हो गया. ओके क्या किया देखो फिर से. फाइंड दी 20th टर्म, तो ए 20 फाइंड करो, nth टर्म भी फाइंड करो, तो nth टर्म भी फाइंड करो. ठीक है, GP गिवन है, ये रहा पहला टर्म A है, तो मेरा A पता है मुझे. R ढूंढना है, A2 by A1 करो, A2 by A1, तो मुझे R मिल गया. अच्छा अब A 20 ढूंढना है, AN का फॉर्मूला, उसमें A भी पता है, R भी पता है, N 20 लेंगे, सब कुछ पता है, वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा A 20 मिल गया. अब nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म मतलब जो लास्ट वाली होगी, लेकिन लास्ट वाली मतलब वो तो N के टर्मिनोलॉजी में ही पूछा है nth. तो ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, तो ए, फिर आर वन रेस टू एन माइनस वन है, तो वन रेस टू वॉट एवर माइनस वन है अपॉन टू रेस टू एन माइनस वन है. वन रेस टू वो तो वन ही हो जाएगा, तो ये टू रेस टू एन माइनस वन बेस सेम है, तो पावर्स का एडिशन. सो पावर्स का एडिशन हो जाएगा वन, फिर प्लस एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन गया तो टू रेस टू एन बाकी रहा, तो फाइव अपॉन टू रेस टू एन. डन, कोई डाउट? पक्का? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं.